दरोगा हो गया और एक सिपाही बना रहा। हाँ। तो जो कुशलता है, कुशल व्यक्ति, उनके अंदर कुंठा एक पैदा हो। इस पे हम चर्चा कर चुके हैं, इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। कुशवाहा जी, टीवी की मजबूरी है, वक्त का दामन हमें नहीं छोड़ना होता, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इस विचार का समर्थन करती है, आगे आपका रुख क्या, ये मैं पूछ रहा हूं। निश्चित रूप से अतुल जी, हम इसका विरोध करेंगे। हाँ, और विरोध कैसे करेंगे, जरा विरोध का तरीका बता दीजिए प्लीज। देखिए, सदन में यदि कोई इस तरीके की बात आती है, बिल आता है या कोई चर्चा होती है, हाँ, तो समाजवादी इसका विरोध करेगी, चाहे सदन हो चाहे सड़क में हो। प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ समाजवादी, लेकिन सरकार को समर्थन देते रहेंगे। अलग मुद्दा नहीं है, राम आश्रय जी इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अलग मुद्दा नहीं है, अलग मुद्दा आप बता रहे हैं। दरअसल ये मुद्दा अलग नहीं है। एक बात बताएं, जो वो बात लाएंगे, मान लीजिए हमारी बात नहीं मानते हैं, हाँ, सरकार वो चलाते रहे, हाँ, और यदि इसका बिल लाते हैं प्रमोशन में आरक्षण का, हाँ, और हम समर्थन नहीं करेंगे तो अपने आप गिरेगा। नहीं, सरकार नहीं, सुनिए, सरकार नहीं गिरेगी, मैं वही समझा रहा हूँ आपको। सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन यूपीए के पास 257 अभी से हैं, उसको केवल 15 चाहिए कंफर्टेबल रहने के लिए। और अगर बहन कुमारी मायावती 21 के साथ हाथी मेरे साथी का गाना गाती हुई पहुंच जाती है हाथ के पास, तो फिर साइकिल की थवा निकलना तय, फिर कहां कुछ बचता है, फिर आप समर्थन दे चाहे ना दे। एक बात समझ लीजिए, मैंने अपनी बात कह दिया है, उसमें आप जिस तरीके से गंभीर होकर पूछ रहे हैं, उसमें हम गंभीरता से माननीय नेता जी और हम लोग बैठेंगे, पार्लियामेंट्री कमेटी बैठेगी, हाँ, और पुनः इसमें विचार कर लिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से नसीर मसूद साहब ने कह दिया है समाचार पत्र पर एक्सक्लूसिवली, उन्होंने आज कहा, उस वक्त आप भी फोन पर थे, उन्होंने कहा कि वो प्रमोशन में रिजर्वेशन का पक्षधर है। अब इसमें एम्बिग्यूटी कहां रह गई, एम्बिग्यूटी कंफ्यूजन तो आपकी तरफ से रहा कि अब आप चीजों को साफ नहीं कर पा रहे। देखिए, बहुत स्पष्ट हूं, और इसमें आज मैं चर्चा और कर लूं, कल इसका मैं आपको जवाब दूंगा, हाँ, लेकिन आज के लिए इतना ही है कि प्रमोशन में आरक्षण की हम सब खिलाफ हैं, समाजवादी इसका नहीं, खिलाफत करेगी। नहीं, आप खिलाफत करेंगे, मुखालफत करेंगे, विरोध करेंगे, ये आपका राजनीतिक पैंतरा है, राजनीतिक सोच है, लेकिन वो मुखालफत, वो विरोध किस अंदाज में होगा, मैं ये पूछ रहा हूं। वो अंदाज कल अतुल जी हम बता देंगे आपको, आज हम एक मैरिज में हुई इसलिए थोड़ा वार्ता कम हो पा रही है। चलिए ठीक है, आप शादी एंजॉय कीजिए, बस देश की जो जनता है वो त्रासदी एंजॉय करने के लिए मजबूर है। ये अमिताभ जी एक बहुत दुखद पहलू है कि मन मन भावे मूड़ी हिलावे, आप चाहते भी हैं, आप कहते भी हैं, लेकिन करते नहीं है। दिल है कि मानता नहीं, दिमाग है कि मान रहा है, दिल है मानता नहीं, ये मतलब ये कंफ्यूजन क्यों, ये रिश्ता क्या कहलाता है अमिताभ जी, ये एक बड़ा सवाल बन रहा है। देखिए, राम आश्रय जी चले गए, हमारे मित्र हैं, वो होते नहीं, शादी एंजॉय कर रहे हैं सर, तो ज्यादा आनंद आता, लेकिन मैं उनके लिए एक शेर कहूंगा जी। हिम्मत से सच कहूं तो बुरा मानते हैं लोग, हिम्मत से सच कहूं तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। यहां ये प्रश्न ही नहीं कि मेरिट डिमेरिट का मुद्दा हम आज बहस में लाएं, इस पर हमने बहुत सीरीज में बहस की, कर चुके हैं, प्रमोशन में आरक्षण की मेरिट और डिमेरिट पर, हाँ, नागराज केस से लेके और तमाम ऐतिहासिक तथ्यों तक हम गए, अंबेडकर साहब की स्पीच संविधान सभा से लेके और जवाहरलाल से लेके मनमोहन सिंह तक पूरा फलसफा हमने रखा। ठीक बात है, आज की बहस ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट पर बहस है, हाँ, ये इस पर बहस नहीं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा और क्या राज्यसभा में बिल आया, हाँ, वो उसकी मेरिट डिमेरिट पर फिर तय करेंगे, अगर पास हो जाता है बिल तो हम लोगों को चर्चा का अवसर फिर मिलेगा। आज है कि भाई इस असंभव संतुलन को क्या मनमोहन सिंह साध पाएंगे, हाँ, क्या राम आश्रय कुशवाहा की पार्टी का इस पर भी विरोध FDI जैसा ही विरोध होगा, हाँ, कि विरोध है लेकिन सरकार को समर्थन रहेगा, भाई कम्युनल फोर्सेस का मामला है, हाँ। अगर यही गायत्री मंत्र का जाप होना है तो मनमोहन सिंह को फिर असंभव कुछ नहीं, फिर सब संभव है, हाँ। चाहे जो बिल पास कर दे, हाँ। समाजवादी पार्टी की ये कदर प्रेस कॉन्फ्रेंस 5-7 बाइट, इससे ज्यादा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं चलना, फिर मनमोहन सिंह जी निश्चिंत होकर सो सकते हैं कंबल ओढ़कर। अगर
एफडीआई नुमा विरोध ही करना है नेताजी को, और सीबीआई वालों को भी आराम मिलेगा, फिर सीबीआई को भी आराम, फिर कहीं कोई संकट नहीं करना पड़ेगा, है ही नहीं। मैं इस देश के जितने बरस मुझे पत्रकारिता करते हुए 24-25 बरस, उसमें मैं केवल एक ही बार एक राजनीतिक दल के द्वारा ईमानदारी का मुजाहिरा मैंने देखा, बाकी किसी को ईमानदार मैंने नहीं देखा। समर्थन के रगड़े में वो भारतीय जनता पार्टी थी अयोध्या के समय, अटल बिहारी जी, जिसने चिट्ठी लिखकर कहा था कि रथ यात्रा आप रोकेंगे उसी क्षण सपोर्ट विड्रॉ हो जाएगा। ठीक बात। समस्तीपुर में अडवाणी का रथ रोका गया, वाजपेयी तत्काल, जैसे ही खबर आई, वाजपेयी, महंत अवैद्यनाथ और कुछ लोग सीधे राष्ट्रपति भवन गए और चिट्ठी दे आए। ये तो मेरी बात समझ में आती है। वो रथ यात्रा जायज है कि ना जायज है, इस पर मैं नहीं टिप्पणी कर रहा हूं। मैं नैतिकता की बात कह रहा हूं। ये कौन सा तर्क है, गुड़ खाएंगे गुलगुले से परहेज करेंगे, ये कौन सी बात हुई? एफडीआई के सख्त विरोधी हैं, नेताजी ने कह दिया एफडीआई लागू नहीं होने देंगे, लेकिन दिल्ली में जब बिल पास हो रहा होगा तो हम मुंह दूसरी तरफ कर लेंगे। ये ऐसे चलेगी राजनीति? और यूपीए की डिनर पार्टी में शामिल होंगे, 8,000 की थाली खाएंगे, ऐसे के इनसे मुझे लगता है कम से कम मायावती ने एक बिल को लेके एडमेंट रुख तो दिखाया। मायावती जिस वर्ग को एड्रेस करना चाह रही है इस बिल के जरिए, उस वर्ग के प्रति तो वो ईमानदार है कम से कम, और बात पहुंच रही है वहां तक, उस वर्ग के प्रति तो ईमानदार है। हो सकता है सर्वजन हिताय समन्वय समिति के प्रति ईमानदार ना हो, लेकिन जिस वर्ग के लिए वो कह रही है, जहां से उनको वोट साधना है, वहां के लिए तो ये न्यूनतम ईमानदारी दिखा रही है ना। ठीक बात। इसलिए मैं मानता हूं कि हो भी सकता है समाजवादी पार्टी का गुणा गणित जो मैं समझ पा रहा हूं उसमें इतनी उहापोह है, इतने छत्रप, इतने शक्ति केंद्र, इतने जाने बवाल कि मुझे लगता है हो सकता है मनमोहन सिंह जी का राजयोग जोर मारे और सब कुछ जो कांग्रेस चाहती है सब कुछ हो जाए, एफडीआई भी हो जाए पारित इसी सदन में और SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण भी पारित हो जाए, और एक आपको हमको एक अदद बाइट मिले कि संसद में हमारी नहीं सुनी, अब सड़क पर संघर्ष करेंगे, माननीय नेताजी का ऐलान है। ये सुनने को मिल सकता है जी, या ये भी सुनने को मिल सकता है कि 2014 में जब सरकार बनाएंगे तो सब पलट देंगे, सारे घर के बदल डालेंगे के अंदाज में। अगर ये राजनीति है, मैं हैरान हूं, रामाश्रय जी हो, रामगोपाल जी हो, ये लोग अक्सर जब कहते हैं तो कहते हैं भाई देखिए अब क्या कह सकते हैं, बताई विरोध ही कर सकते हैं ना। तो मैं इनसे व्यक्तिगत तौर पर भी कहता हूं, गोविंद जी व्यक्तिगत तौर पर भी कहता हूं, कर तो बहुत कुछ सकते हो चाहो तो जी। सीताराम केसरी भी ठीक थे जिन्होंने डीएमके के सवाल पर सरकार तो गिरा दी, वो बाद में उनकी गलती मानी गई अलग बात है, लेकिन कहीं आपका स्टैंड तो दिखे, खूंटा तो गाड़ो महाराज। ठीक बात है, खूंटा तो गाड़ो जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, खूंटा नहीं गाड़ रहे कहीं, कभी कोई बयान दे देते कहते जी लोकसभा में साथ रहे कांग्रेस के, राज्यसभा में खिलाफ है, ये कोई बात नहीं, बनारस में सपोर्ट करेंगे और गोरखपुर में विरोध करेंगे, कैसे चलेगा? एटा में कांग्रेस के साथ है, इटावा में विरोध में है, ऐसे चलेगी क्या राजनीति? गोविंद जी देखिए चीजें बड़ी क्लियर हैं, 257 यूपीए के पास हैं अभी इस वक्त, माया या मुलायम, इन दोनों में से कोई एक भी अगर सरकार के साथ खड़ी नजर आती है तो सरकार कहीं नहीं जाती, जो दूसरा बाहर जाता है उसके ऊपर सीबीआई का डंडा जरूर पड़ता है। क्या सीबीआई, जिसे कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए नाम से बीजेपी के लोग लगातार सुशोभित करते रहे हैं, क्या सीबीआई नाम का जो इक्का है और प्रमोशन में रिजर्वेशन वाला जो हिसाब किताब है, ये एक फैक्टर एम और दूसरा फैक्टर एम मनमोहन जी, ये दो एम मिल जाएंगे और तीसरा एम बाहर हो जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कम से कम जो मौजूदा सत्र है संसद का, इसमें इस तरह की कोई संभावना बनेगी। मुझे ये लगता है कि मायावती में जरूर इस बात की संभावना है मायावती के पक्ष से कि वो कोई अप्रत्याशित फैसला ले सकती हैं। राजनीति में उन्होंने पहले भी ऐसा किया, उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार उन्होंने जब इस्तीफा दिया था, अचानक इस्तीफा दिया था और किसी को उम्मीद नहीं थी। ऐसे ही केंद्र में जब वाजपेयी जी की सरकार गिराई थी तो एक तरह से उन्होंने अब साथ रहने के बाद अचानक विपक्ष में वोट दिया और ये कहा कि हमने बदला ले लिया। तो मायावती अगर इस तरह का कोई अप्रत्याशित कदम उठा लें, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वो कदम मुझे नहीं लगता कि वो अभी उठाने जा रही है, और संसद का ये सत्र
कम से कम जो आरक्षण वाला सवाल है, आरक्षण पदोन्नति में आरक्षण वाला सवाल, हाँ। उसको किसी तरह से कांग्रेस की भी रणनीति ये होगी कि उसको किसी तरह से लटका लिया जाए, ठीक है, और जो जो रिटेल वाला मामला है उसको किसी तरह से अपनी जो नैया है उस मामले में पार करा ली जाए और दोनों को साथ लिया जाए, हाँ। और ये जो स्थिति है ये मुलायम सिंह के लिए भी उनके भी अनुकूल बैठती है और मायावती के लिए भी अनुकूल बैठती है, क्योंकि अचानक ऐसी स्थितियों में कोई भी ये नहीं चाहेगा कि सरकार से बाहर होने का खतरा वो मोल ले, क्योंकि जो आपने कहा सीबीआई का जो लिफाफा है, सीबीआई का जो प्रभाव है, सीबीआई हाँ। की जो धौंस है, वो उसको दोनों के लिए एक बड़ा डंडा है। जी अमिताभ अग्निहोत्री जी, संवाद की टिप्पणी के वक्त बहुत संक्षेप में देखिए, मैं एक बात कहूंगा, ये मुद्दा ऐसा है, मैंने दोपहर में भी इसी बात को कहा था, एफडीआई अगर उत्तर प्रदेश को संदर्भित करूं उतना बड़ा इश्यू नहीं जमीन पर बनेगा, ठीक बात है, लेकिन ये मुद्दा जमीन पर है जो राजनीति की तरंगे बदल देगा, हाँ। उनकी दिशा बदल देगा, हाँ। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों राष्ट्रीय पार्टियां अफोर्ड नहीं कर सकती आज की तारीख में, शैलेंद्र जी मेरी बात से सहमत नहीं होंगे और मैं भी जो कह रहा हूं उससे व्यक्तिगत तौर पर सहमत हूं, जरूरी नहीं, लेकिन जो हकीकत है कांग्रेस और बीजेपी आज ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो प्रमोशन में आरक्षण से इनकार कर दे, इसलिए मुझे लगता है कि मायावती की यह मांग इस सत्र में ना सही अगले सत्र में, कांग्रेस 14 के चुनाव, लिख लीजिए अतुल जी, कांग्रेस 14 के चुनाव में जाने से पहले देश में प्रमोशन में आरक्षण को कानून में तब्दील करके जाएगी, लिख लीजिए मुलायम सिंह साथ रहे या ना रहे जी, और ये अपने आप में एक बहुत रोचक, ये केवल मायावती के एजेंडा नहीं, मायावती के एजेंडा तो यूपी तक सीमित है, हाँ। मेरी कांग्रेस की लीडर से बात हुई, हाँ। उन्होंने कहा मायावती जो भी क्रेडिट ले वो यूपी में लेंगी ना भाई, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में मैं ही क्रेडिट लूंगा, मायावती जी तो वहां ही नहीं, प्रेजेंसी नहीं है, ठीक बात है, और वो कांग्रेस ये मान के चलती कि माया अगर मैं प्रमोशन वाला मसला नहीं भी क्लियर करे कांग्रेस तो भी, और कर दे तो भी, वहां का दलित सोनिया गांधी को मायावती से बड़ा हितचिंतक तो मानेगा नहीं, मायावती वहां सबसे बड़ी नेता है दलितों की, तो इसलिए यूपी नहीं उस कांग्रेस के दिमाग में है, लेकिन पूरे देश में दलितों के वोट की पैरोकारी के लिए ये बिल्कुल मेरी राजनीतिक समझ, हाँ। और जानकारी, हाँ। दोनों ये इशारा करती है, हाँ। कि कांग्रेस चुनाव में जाने से पहले, हाँ। एक ट्रंप कार्ड खेलेगी और देश भर के दलितों से कहेगी कि देखो हम है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया आपके लिए जी, और आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में इस फैसले के बड़े दूरगामी परिणाम भी होंगे, और वो परिणाम सकारात्मक होंगे या नकारात्मक होंगे ये तो भविष्य के गर्त में सुरक्षित है, लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारने की कगार पर खुद को खड़ा कर चुकी है। गोविंद जी बहुत धन्यवाद, दुबे जी बहुत शुक्रिया आपका, अमिताभ जी बने रहेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड सरकार ने अपने अल्प कार्यकाल में ही किसानों, शिक्षकों, छात्र छात्राओं, सैनिक कल्याण व दैवीय आपदा वाले क्षेत्रों को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। गन्ना किसानों को 138 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर। इसके अलावा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज प्राध्यापकों की भर्ती के लिए उच्च शिक्षा चयन आयोग स्थापित कर लगभग 850 प्राध्यापकों की भर्ती करने का सरकार ने निर्णय लिया है। प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों की नई भर्ती अब ब्लॉक कैडर के आधार पर होगी। डिग्री अध्यापकों की रिटायरमेंट की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। पीपीपी मोड पर पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग व सीबीएसई पैटर्न पर स्कूल खोले जाएंगे, जिनमें 50% एससी वर्ग के छात्रों के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी। इसके अलावा 5 नए राजीव गांधी नवोदय विद्यालय भी स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म की सुविधा। सरकार ने सैनिकों के प्रति सम्मान देते हुए सैनिक विधवाओं की पुत्री के विवाह के लिए सहायता राशि को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया है। राजकीय सेवाओं में सामान्य वर्ग में आवेदन की आयु सीमा को 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दिया गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के लिए बेरोजगार सह कौशल विकास भत्ता योजना को नवंबर माह से लागू करने का प्रावधान किया है। उत्तराखंड की बहुगुणा सरकार प्रदेश के हर घर में विकास की योजनाओं को पहुँचाने के लिए प्रयासरत है। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं, दूध से सादा पान मसाला। मीडिया का एक महारथी
जो बखूबी समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल, जिससे कभी छिप नहीं सका राजनेताओं के दिल का हाल, जो जानता है हर सच को सामने लाना, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता